अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद अवैस आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस मुगल। तो आज हम देखेंगे कि हम विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूएसबी पेन ड्राइव की मदद से। तो हुआ क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई विंडो है वो ख़राब हो गया किसी वजह से। इसके लिए हमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हम वो हम इंटरनेट से ISO भी इंस्टॉल करके कर सकते हैं। लेकिन हम आज की स्टूडियो में बूटेबल USB के ज़रिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो इसे कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो वीडियो स्टार्ट करती है, हमने बग़ैर किसी इंट्रो के, तो सबसे पहले हम ये USB लगा देते हैं यहाँ इस पोर्ट में। USB लगाने के बाद हमें अपना सिस्टम स्टार्ट करना है। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये देखिए, अब यहाँ कोई की दबा दीजिए, की दबा दी है तो ये देखिए मैं विंडो 8.1 इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये देखिए 64 बिट की इंस्टॉल करना चाहते हैं, 32 बिट की इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। ये देखिए 32 बिट्स हम करेंगे, 64 बिट तो स्पेशल आपको एंटर दबा देना है। तो ये देखिए आपका विंडोज 8 का लॉगो आ चुका है। ये दरमियान में लाइन इग्नोर कर दो, ये मेरे प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो जो अगली वीडियो होगी वो हम इस टॉपिक में बनाएंगे कि जो अपनी ये जो बूटेबल USB है ये कैसे बनाते हैं। अगली वीडियो में ये फिर हम उससे अगले में देखेंगे कि ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, ग्राफिक ड्राइवर्स वगैरह। तो फिलहाल ये हो चुका है। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जैसे ही आता है, ये देखिए अब आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ये देखिए जी माई लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। देखिए ना माई लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, इंग्लिश पर क्लिक करके यहाँ से ये ऑटोमेटिक इसको ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट पे जाना है, इंस्टॉल नाउ। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं कुछ देर। तो ये देखिए आ चुका है। अब हम करेंगे विंडोज़ 8.1 प्रोफेशनल। ये 86 यानी कि 32 बिट का है, 64 वाला हम सेलेक्ट करते हैं। 64 बिट की हम विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स क्लिक कर नेक्स्ट। कस्टम नहीं हमने, सॉरी अपग्रेड नहीं हमने करना, हमें कस्टम इंस्टॉल करना है। किस पार्टीशन में करना है, ये देखिए ये पार्टीशन 3 ड्राइव 0 पार्टीशन 3 है, इसमें करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ओके। तो ये कुछ होने लगेगा, पहला वाला हो चुका है। अब दूसरा वाला ज़रा देर लेगा, आप में आपको सब्र करना है। ये देखिए 1% हो चुका है, इसी तरह ये इसको 100% होने देते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को कर लेते हैं पॉज। ये तो हो चुकी है 35%, 36% हो चुकी है, तो और भी वेट कर लेते हैं। तो ये 65% 71-72 हो चुका है, 73 हो चुका है, 74-75-76 तो हो ही रहा है, इसको थोड़ा और वेट कर लेते हैं। 83-85 हो चुका है, 86 तो 98 हो चुका है, 96 हो चुका है। सो पूरा हो चुका है। तो अब 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, अब आगे देख लीजिए। ये जल्दी जल्दी ये नीचे वाली बाहर है, ये भी फिल हो रही है। तो आखिर आ गया फिनिशिंग अप। तो अब स्टार्ट होगा, स्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं वरना ये ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हो चुका है, हो रहा है स्टार्ट।
अब हम क्या करेंगे, अपनी यूएसबी को निकाल देंगे। ये जैसे मैंने अपनी यूएसबी को निकाल दिया है, ये देखिए, ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये देखिए मैंने निकाल लिया है यूएसबी को, तो आप भी निकाल लें। अब तो ये भी बूट हो रहा है। अब तो ये देखिए अब कह रहा है कि कौन सी, तो विंडोज 8.1 पे क्लिक कर दें। को कह रहा था कि कौन सी विंडोज चलानी है, तो आप विंडोज 8.1 पे क्लिक कर दें। तो ये चल रही है विंडोज 8.1। विंडोज रेडी, ये देख रहे हैं 6% हुई है, 37% ही तो हो भी गई है, अभी हो रही है 62%, 76, 94, 90, 100 पूरा हो चुका है। गेटिंग रेडी लिख कर आ रहा है, शायद आपको सही से नज़र नहीं आ रहा हो। अब देखिए गेटिंग रेडी, ये हो जाएगा कुछ ही देर में। पीसी एक बार फिर स्टार्ट हुआ है, अभी आपसे कुछ प्रोडक्ट की के बारे में पूछेगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं, हम उसको स्किप कर देंगे। अब पर्सनलाइज करते हैं पीसी नेम, ये पीसी नेम मतलब हम रखेंगे अपने पीसी का नाम, पीसी का जो नाम रखना चाहते हैं, मैंने लिख दिया है। कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम ये कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर ये वाला अच्छा है या ये वाला नहीं, ये देखिए ये है डिफ़ॉल्ट कलर है ये वाला, तो जो प्यारा लगता है मुझे वो पता नहीं ये था, ये प्यारा लगता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग, अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहे तो कस्टमाइज़ कर लीजिए, एक्सप्रेस सेटिंग यूज़ कर लेते हैं। यूज़र नेम, अब यूज़र नेम रखते हैं, पासवर्ड रहने देते हैं, ये देखिए आया है हाय, वी आर सेटिंग थिंग्स अप फॉर यू। अभी हमारा पीसी कुछ देर में रन होने वाला है, विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है 100% पूरी, यू कैन गेट न्यू एप्स फ्रॉम द स्टोर। तो अभी हम इसको पूरा होने देते हैं। ये देखिए विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए उम्मीद है कि आपने भी मेरे इस तरीके से विंडोज़ इंस्टॉल कर ली होगी।
वैसे टाइल्स का डिज़ाइन लोगों को पसंद इतना तो नहीं आया था, और ना ही विंडोज़ 8 यूज़ हुई है। विंडोज़ 8 फ्लॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्लॉप हो गई थी। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 बढ़िया थे, 11 भी बढ़िया जा रहा है अब, पहले नहीं था सही, बढ़िया जा रहा है। यहाँ से हम शट डाउन कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हैं, डेस्कटॉप यहाँ जा सकते हैं। फिर यहाँ से हम, यह जो कर्सर है इसको हम थोड़ा साइड पे ले जाकर, यहाँ से साइड पे ले जाकर नीचे कर्सर नीचे ले जाकर यहाँ से हम स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं। सेटिंग्स, खैर सेटिंग्स खोलते हैं। तो देखिए सेटिंग्स भी आ चुकी हैं, नेटवर्क, तो यहाँ से कुछ भी चले। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत जल्दी शटडाउन हुआ, बहुत स्पीड है इसकी।